लोग होते हैं ना थोड़ा सा डिस्टेंस बचाने के लिए गाड़ी को गलत तरीके से काटते हैं। कैसे काटते हैं वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए ये ऑब्जेक्ट सेंटर डैशबोर्ड के लेफ्ट में है ना, तो मैं इससे क्लोजली निकल सकता हूँ देखिए बिना किसी परेशानी के। अगर आप गाड़ी को ज़्यादा बाहर निकाल रहे हैं ना तो भाई आपसे मिस्टेक हो सकती है, अब गाड़ी की स्पीड अपने आप बढ़ने लग गई। बस मुझे यहाँ पर ना ब्रेक को कंट्रोल करना है। अगर गाड़ी आप बहुत ज़्यादा हल्की नहीं कर रहे हैं, जिससे मेरी गाड़ी एवरेज बहुत अच्छा निकाल के देती है। अब देखिए 19.9 है, अब ये 20 टच कर जाएगा। जब आप गाड़ी चला रहे हैं ना, सबसे पहले आप इस सेंटर मार्किंग से कोने में कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब देखिए ये जो मैंने जजमेंट बताया ना लेफ्ट राइट का, इससे आप अपनी गाड़ी को कोने में तो लगा ही पाएंगे, साथ ही साथ जजमेंट भी ले पाएंगे। दिक्कत ये होगी देखिए क्लच अगर आपने डाउनहिल में दबा दिया ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ना डाउनहिल में चलने के लिए कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और कैसे कैसे आपको सेफ्टी के साथ अपनी गाड़ी को चलाना है। अगर आपको रोड पे गाड़ी चलाने का उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई धीरे धीरे जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ इनको आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो गाड़ी आपकी कंट्रोल में रहेगी, कभी भी आप जो है मुसीबत में नहीं फंसेंगे। अब सबसे पहली चीज़ आप ध्यान रखिए, जब भी आप डाउनहिल चल रहे हैं जैसे मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो वो एक्सट्रीम डाउनहिल है और पतली रोड है, मतलब संकरी रोड है, तो उसमें क्या दिक्कत है ना कि देखिए एडवांटेज आपको ये मिलता है कि आपको फ्रीक्वेंट गियर चेंज नहीं करने होते। मतलब अगर आप क्लच दबा के गाड़ी को स्लो कर रहे हैं ना, उसके बाद ज़रूरी नहीं है आप डाउनशिफ्ट करें तो भी आपकी गाड़ी अपने मोमेंटम के साथ चल सकती है। दूसरा एडवांटेज आपको ये मिलता है ना कि डाउनहिल में फ्यूल एफिशिएंसी आपको अच्छी मिलती है, चाहे आप लोअर गियर में भी चल रहे हों। अब डिसएडवांटेज क्या होता है, देखिए डिसएडवांटेज ये है ना कि जब आप डाउनहिल चल रहे हैं ना, अगर आप ओवर गियर में चलेंगे मतलब हायर गियर में चलेंगे, तो गाड़ी ना इंजन ब्रेकिंग कम काम करेगी और गाड़ी कंट्रोल से बाहर जा सकती है। हाईवे पे अगर आपकी गाड़ी कंट्रोल से बाहर होती है ना, कोई गड़बड़ होती है, तो आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, पर ऐसे पहाड़ी रास्तों में जहाँ घुमावदार रोड होती है और संकरी रोड होती है, वहाँ पर ना गलती की गुंजाइश बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि एक तरफ तो सीधे खाई होती है। तो आप को ये गलती नहीं करनी है जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, कैसे आप सेफली चल पाएंगे वो सारा इस वीडियो में देखेंगे। क्लच कंट्रोल भी मैं आपको साथ साथ दिखाता रहूंगा, आप देखते रहिए। तो चलिए चलते हुए बात करते हैं। देखिए गाड़ी को आपको स्लो उठाना है, एक्सेलरेट नहीं करना है स्टार्टिंग में, जब गाड़ी एक नॉर्मल स्पीड पर आ जाए उसके बाद आप अपनी गाड़ी को पिक कर सकते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है ना, वो है कि अपनी गाड़ी को आप लोअर गियर में रखिए। अगर रोडें बहुत संकरी और ढलान है, थर्ड या मैक्सिमम फोर्थ गियर तक आप चला सकते हैं, फोर्थ गियर भी तब जब आपका हाथ थोड़ा बहुत गाड़ी में साफ है, क्योंकि आप देख सकते हैं ब्लाइंड टर्न बहुत ज़्यादा होते हैं, देखिए गाड़ी कभी भी निकल के आ सकती है। हॉर्न का प्रयोग करिए, हॉर्न से ना मैक्सिमम एक्सीडेंट को आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो रही है, सामने वाला एटलीस्ट अपने आप को बचा सकता है। तो आपको ऐसे ही चलते रहना है, स्लो चलिए, लेफ्ट राइट का जजमेंट लेते हुए चलिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेफ्ट के जजमेंट के लिए सेंटर डैशबोर्ड से अपने सामने वाले ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखना है। देखिए जब तक वो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रहेगा ना, तब तक आप अपनी गाड़ी को सेफली निकाल सकते हैं। देखिए ये ऑब्जेक्ट सेंटर डैशबोर्ड के लेफ्ट में है ना, तो मैं इससे क्लोजली निकल सकता हूँ देखिए बिना किसी परेशानी के। अब देखिए साइड में ऐसे ही आपको लेफ्ट का जजमेंट करना है। राइट के जजमेंट के लिए सामने आने वाला ट्रैफिक जो है ना, वो भाई ये ए पिलर के राइट में जब तक रहेगा तब तक वो ईजिली क्रॉस कर सकता है बिना किसी परेशानी के। तो ऐसे ही आपको अपनी गाड़ी को चलाते रहना है। अब देखिए रोड संकरी है ना, तो इसमें गलती की गुंजाइश, मतलब अगर आप गाड़ी को ज़्यादा बाहर निकाल रहे हैं ना तो भाई आपसे मिस्टेक हो सकती है, और सामने आने वाली गाड़ी को आपको, देखिए चढ़ाई में आने वाली गाड़ी को आपको प्रायोरिटी देनी है। तो आप अपनी गाड़ी को स्लो चलाइए, कंट्रोल में चलाइए, जिससे भाई किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप गाड़ी को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, जज कर पाएंगे और आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए ये जो है ना, ये एक्सट्रीम टर्न है जो मुझे लेना है, इसके लिए भाई मुझे अपनी गाड़ी को अपोजिट साइड पर मोड़ना है। अब देखिए कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। देखिए लेफ्ट राइट जजमेंट मैंने लिया, इजी हो गया सब कुछ, बिना किसी परेशानी के मैं अपनी गाड़ी को चला सकता हूं। तो ऐसे ही आप अपनी गाड़ी को चलाते रहिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए रोड ना बहुत ज़्यादा संकरी होती जा रही है, मैं इस टाइम थर्ड गियर में चल रहा हूं, मैं अभी फोर्थ गियर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यहां पर टर्न भी है और मुझे गाड़ी कहीं पर भी स्लो करनी पड़ सकती है। अब देखिए ऐसे चलते रहिए आप, स्लो स्लो हॉर्न बजाते रहिए, पर जो वाइट मार्किंग दी गई है ना, इसके बीच में आपकी गाड़ी आसानी से फिट आ जाएगी। तो भैया आप अपनी साइड की मार्किंग को पकड़ के चलिए, जिससे आपको जजमेंट करने में दिक्कत नहीं होगी। पीछे से कोई गाड़ी अगर आपकी क्लोज चल रही है ना, जगह मिलने में सबसे पहले आप उसे पास दीजिए। अगर आप उसे पास नहीं देंगे ना, वो आपके ज़्यादा चिपक के चलेगी, तो आपको भी नर्वस करती रहेगी और जिसके कारण आप अपनी गाड़ी को चला नहीं पाएंगे। अब देखिए मैं पीछे आने वाली गाड़ियों को सबको पास दे रहा हूँ। देखिए मैंने सेकेंड गियर में चलाया और ईजिली आगे चलने लग गया। अब फुट मूवमेंट आप देख सकते हैं कि भाई मैं एक्सेलरेटर के ऊपर मेरा पैर तो है, पर मैं टैप नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा। देखिए डाउनहिल में आपको ये एडवांटेज ज़रूर मिलता है कि जब भी आप डाउनहिल आ रहे हैं ना, तो आपको अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट नहीं करना है।
आपकी गाड़ी अपने ही मोशन से आगे चलेगी। अब देखिए मैंने फोर्थ गियर लगा दिया, अब गाड़ी की स्पीड अपने आप बढ़ने लग गई। बस मुझे यहाँ पर ना ब्रेक को कंट्रोल करना है। अगर गाड़ी आप बहुत ज़्यादा हल्की नहीं कर रहे हैं, देखिए अब मेरी स्पीड देखिए आप कितना ज़्यादा कम है, लगभग 20 करीब आ गई है, तभी भी फोर्थ गियर में चल रही है क्योंकि डाउन ही लेना, तो गाड़ी अपने आप से मोमेंटम बना लेती है। यही चीज़ अगर चढ़ाई में होती ना तो मैं अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाता। आप देखिए गाड़ी कितनी कम स्पीड में है और तभी भी इजीली चल रही है। अब देखा आपने गाड़ियां बहुत स्पीड से आती हैं इन रोडों पे और कई बार सामने वाला गलती कर सकता है, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि भाई मुझे अपनी गाड़ी को किसी भी सिचुएशन में ना कंट्रोल में रखना है। टर्न्स पे आपको ब्रेक एकदम नहीं लगाना है, कोशिश करिए जैसे वहां पर टर्न है ना, अभी देखिए तो टर्न में ही जाके आपको ब्रेक नहीं दबाना है, टर्न से थोड़ा पहले मतलब 10-12 मीटर पहले ही देखिए आप ब्रेक लगाने शुरू करिए, जिससे आपकी गाड़ी टर्न भी अच्छे से कंप्लीट कर पाएगी। क्योंकि हाई स्पीड में आप टर्न पार करेंगे तो आपकी गाड़ी थोड़ा सा रोड से बाहर भी जा सकती है। ऐसे ही आपको गाड़ी चलानी है, ज़्यादा आपको गियर शिफ्टिंग में उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है अगर गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा कम नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पर स्पीड बहुत ज़्यादा कम होगी ना तो मैं एक गियर डाउन कर लूँगा और गाड़ी को स्लोली टर्न कर लूँगा। तो ये एडवांटेज आपको मिलता है डाउनहिल में कि गियर शिफ्टिंग फ्रीक्वेंट नहीं करनी पड़ती, एवरेज भी अच्छा निकल के देगा। अभी देखिए 19.9 का एवरेज दिखा रही है गाड़ी, ये एवरेज ना बढ़ता ही रहेगा, चाहे मैं लोअर गियर में भी चलूंगा ना ये एवरेज ऊपर ही जाएगा, क्योंकि भाई मेरी गाड़ी जो है डाउनहिल में इस टाइम मैं ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूं। और मैं अच्छा एवरेज भी ऐसे ही निकालता हूं गाड़ी से, मैं ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं करता हूं। अगर मुझे रिक्वायरमेंट है तो मैं तुरंत डाउनशिफ्ट कर लूँगा, मैं ज़्यादा एक्सेलरेशन पे ध्यान नहीं देता हूँ, मतलब मुझे ज़्यादा एक्सेलरेट करने में मज़ा नहीं आता है। मैं गियर शिफ्टिंग के साथ गाड़ी को चलाता हूँ जिससे मेरी गाड़ी एवरेज बहुत अच्छा निकाल के देती है। अब देखिए 19.9 है, अभी ये 20 टच कर जाएगा डाउनहिल में। स्लो आप ब्रेक लगाते रहिए, शार्प टर्न है वहाँ पर आप हॉर्न का यूज़ करिए, और गाड़ी जहाँ पर बहुत ज़्यादा हल्की हो रही है ना देखिए तो वहाँ पर आप एक गियर डाउन कर लीजिए, अगर बिल्कुल ही रुक रही है गाड़ी तो दो गियर आप डाउन कर सकते हैं, जिससे फिर आप अपनी गाड़ी को कंटिन्यू कर सके बिना झटके के साथ बंद होने को लेके। अभी मैं गाड़ी को रोकना भी आपको बताऊंगा डाउनहिल में, जिसमें कई लोग गलती करते हैं कि भाई वो गाड़ी को ना प्रॉपरली कोने में अलाइन नहीं करते हैं। अब कोने में अलाइन से मेरा मतलब ये है ना, जैसे आपने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा होगा कई लोग जो है ना गाड़ी को रोड पे ही खड़ा कर देते हैं, मतलब वो कोने की तरफ ज़्यादा नहीं दबाते हैं, स्पेस रहता है, ऐसा नहीं है कि स्पेस नहीं रहता, स्पेस रहता है पर वो इसलिए नहीं दबाते ना क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं मिलता है कि मेरी गाड़ी में कितना कॉर्नर में लगा सकता हूँ। अब गाड़ी देखिए आप कितना कॉर्नर में लगाएंगे उसके लिए आपको लेफ्ट राइट जजमेंट की हेल्प लेनी है। अब लेफ्ट का जजमेंट ये सेंटर मार्किंग या वाइट स्टिकरिंग देख सकते हैं डैशबोर्ड में, और राइट का जजमेंट जो है वो ये ए पिलर है राइट वाला, तो इन दोनों की हेल्प से ही आप गाड़ी को क्लोज लगाएंगे कोने में। मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी जहाँ पर मुझे जगह मिलेगी अभी कि कॉर्नर में आप मैक्सिमम स्पेस को यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। देखिए स्लो चलिए, हर कोई अपनी लेन में चलेगा ना तो आपको दिक्कत नहीं है कि रोड संकरी ही क्यों ना हो। अब मैं आपको यहाँ पर लेफ्ट में दबा के गाड़ी को दिखाऊंगा कि लेफ्ट में कैसे दबाना है आपको गाड़ी को। अब देखिए जब आप गाड़ी चला रहे हैं ना, सबसे पहले आप इस सेंटर मार्किंग से कोने में कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब देखिए वो वाइट पिलर जो है ना वो मुझे अलाइन करना है कॉर्नर से, ये देखिए अब वो अलाइन हो चुके हैं। अब देखिए मेरी गाड़ी जो है ना एक्सट्रीम कॉर्नर पे जाके खड़ी हो चुकी है। अब मैं स्पेस आपको दिखाऊंगा ना तो सिर्फ इतना स्पेस बचेगा कि भाई एक बंदा दरवाज़ा खोल के उतर सकता है। देखिए बिल्कुल कॉर्नर में गाड़ी लगी है, और जो मेरे ये वाले टायर है ना ये भी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट देखिए वाइट लाइन के ऊपर है, ऑलमोस्ट व्हाइट लाइन के ऊपर मेरे टायर आ चुके हैं, मेरी गाड़ी व्हाइट लाइन के अंदर अंदर खड़ी हो गई इतनी संकरी जगह में। तो ऐसे ही आपको अपनी गाड़ी को चलाते रहना है, ज़्यादा कोने में भी नहीं दबाना है, ऐसा ना हो कि आपने इतने कोने में दबा दी कि आप दरवाज़ा ही ना खोल पाएं। ये जो मैंने जजमेंट बताया ना लेफ्ट राइट का, इससे आप अपनी गाड़ी को कोने में तो लगा ही पाएंगे साथ ही साथ जजमेंट भी ले पाएंगे, मतलब इतना स्पेस रहेगा कि आप अपनी गाड़ी से उतर पाएंगे सेफली बिना किसी परेशानी के। अब देखिए स्लो आपको गाड़ी को निकालना है, आगे पीछे देखते हुए चलिए, ORVM की हेल्प आपको ज़रूर लेनी है संकरी रोड में, कई बार पीछे से ना हॉर्न देते हुए नहीं आते हैं लोग तो गड़बड़ हो सकती है। और देखिए अपनी ही साइड में स्लो चलते रहिए। अब संकरी रोड में ना एक गड़बड़ आपको और नहीं करनी है कि जब भी आप गाड़ी रोक रहे हैं ना ऐसी जगह पे मत रोकिए जहाँ पर कि रोड थोड़ी सी साइड में टूटी हुई है, मतलब देखिए यहाँ पर बैरिकेडिंग है ना ये पॉइंट सेफ है या यहाँ पर थोड़ा संकरा है तो आप संकरी जगहों पे भी मत रोकिए। कहीं पर आपको जगह मिल रही है ये पैराफिट बने हैं कोने में, मतलब ये जो ब्लॉक्स हैं यहाँ पर गाड़ी रोकेंगे ना तो यहाँ पर की जो रोड होती है ना ये मजबूत होती है। अब कहीं पर ये पैराफिट नहीं है अगर तो समझ जाइए कि वहाँ पर या तो रोड कच्ची है साइड में तो वहाँ पर आप ज़्यादा कॉर्नर में मत दबाइए या फिर रोके ही मत वहाँ पर गाड़ी, वरना आपकी गाड़ी फंस सकती है और दिक्कत आ सकती है। ऐसे ही आपको लेफ्ट राइट का जजमेंट लेना है संकरी रोडों में। अब राइट साइड के जजमेंट के लिए मैं आपको बताऊंगा कि राइट में आपको अपनी गाड़ी को बिल्कुल कॉर्नर में कैसे दबाना है। उसके लिए भाई सबसे अच्छी टेक्निक ये है कि देखिए सबसे पहले आप अपनी गाड़ी को राइट की तरफ करना शुरू करिए, और ये जो ए पिलर है ना
इससे आपको मैच करना है, कोई भी कॉर्नर पॉइंट देखिए, अभी नाली है ना, इसके मैं बिल्कुल कॉर्नर से अलाइन करूंगा। देखिए अब कॉर्नर से बिल्कुल अलाइन हो चुका है ये। अब देखिए मेरी जो गाड़ी है ना बिल्कुल जो है नाली में जाके रुकी है, इतना स्पेस रह गया है कि सिर्फ दरवाज़ा खुल सके और मैं ईजिली यहाँ पर उतर सकूँगा। ऐसे ही आपको जजमेंट लेना है, बहुत अच्छी टेक्निक है ये। पार्किंग में भी आप अच्छे से स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी गाड़ी को वाइट लाइन के बाहर ही खड़ी कर देंगे, तो ऐसे में आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप जजमेंट की हेल्प लेते रहिए। तो ये सारी टेक्निक है जो आपको ध्यान रखनी है। डाउन हिल में क्लच मोमेंट का आप ध्यान रखिए, क्लच को आपको हाफ क्लच में नहीं चलना है। जैसे टर्न्स आते हैं ना तो कई लोग क्या करते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे टर्न आ गया लोग ना ब्रेक के साथ साथ क्लच को भी दबा देंगे ऐसे, तो दिक्कत ये होगी। देखिए क्लच अगर आपने डाउनहिल में दबा दिया ना तो आपकी गाड़ी जो है इंजन ब्रेकिंग से फ्री हो जाएगी, मतलब गियर से फ्री हो जाती है गाड़ी, तो भाई आपकी गाड़ी और ज़रूरत से ज़्यादा स्पीड पकड़ेगी। मतलब आपकी कोशिश ये रहती है कि आप ब्रेक पे जो है गाड़ी को स्पीड को कंट्रोल करें, पर आपकी गाड़ी ज़रूरत से ज़्यादा स्पीड से चलेगी। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ लाइव, देखिए अभी मेरी गाड़ी की स्पीड 39 है और देखिए यहाँ पर मोड़ आया, अगर मैं क्लच पहले दबाऊँगा ना, देखिए मेरी गाड़ी जो है स्पीड ज़्यादा पकड़ने लगेगी। देखिए अभी ये स्पीड है ना, देखिए मैं ब्रेक की जगह क्लच पहले दबा दूंगा ना, तो देखिए मेरी गाड़ी ना फ्री होके ज़्यादा स्पीड पकड़ रही है, क्योंकि भाई मेरी गाड़ी की इंजन ब्रेकिंग ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुकी है। तो इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखें कि जब भी आप अपनी गाड़ी को चला रहे ना डाउन हिल में ब्रेक पहले दबाइए, उसके बाद क्लच का यूज़ करिए, जब तक आप गाड़ी को रोक नहीं रहे हो। देखिए पत्थर छिटक के आए हैं ऊपर से ना, ऐसी जगह पे गाड़ी को आपको और स्पीड से निकालना है। देखिए हॉर्न का यूज़ करेंगे ना तो सामने वाला भी अलर्ट हो जाता है। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि डाउनहिल में ना ऊपर से पत्थर कभी भी अगर निकल के आ रहे हैं तो आप वहाँ पर गाड़ी को हल्का मत करिए, गाड़ी की स्पीड को बनाए रखें, जिससे भाई आपकी गाड़ी वहाँ उस पॉइंट को क्रॉस कर जाएगी। अब देखिए टर्न्स बहुत ज़्यादा शार्प है, यहाँ पर आप अपनी ही साइड पर रखिए। कई लोग होते हैं ना थोड़ा सा डिस्टेंस बचाने के लिए गाड़ी को गलत तरीके से काटते हैं, अब कैसे काटते हैं वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे लोग ये पूरा टर्न नहीं लेंगे, लोग क्या करते हैं ऐसे गाड़ी को ले जाते हैं। अब ये चीज़ गलत है, कॉर्नर में अगर कोई गाड़ी खड़ी है या अचानक से कोई चीज़ आ गई ना तो आप पैनिक हो जाएंगे और आप गाड़ी को लेफ्ट राइट दे मारेंगे, तो आपको हमेशा अपनी साइड पर गाड़ी को चलाना है। ऐसे में अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, उससे ना आपका पूरा फोकस रोड पर ही रहता है, सामने वाला भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है। ऐसे ही आप अपनी गाड़ी को चलाते रहिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और साइड में देखिए जैसे मैं बता रहा था ना, रोड जहाँ पर टूटी हुई है वहाँ पर आपको साइड में गाड़ी को ज़्यादा नहीं ले जाना है, क्योंकि भाई वहाँ पर रोड कच्ची होती है। ऐसे जहाँ पर आपको पैराफिट दिखे ना वहाँ पर आप गाड़ी को एक बार को रोक सकते हैं कॉर्नर में, और पहाड़ वाली साइड पर ना तब तक गाड़ी खड़ी मत करिए जब आपको रोड क्लियर नहीं दिखती। अगर रोड पर पत्थर पड़े हुए देखिए जैसे इस तरह से, तो यहाँ पर गाड़ी को भूल कर भी ना लगाएं, वरना एक्सीडेंट हो सकता है। ये गलती कई लोग करते हैं जो पहाड़ों की तरफ आ रहे हैं पहली पहली बार। तो बस ऐसे ही आप गाड़ी चलाते रहिए, देखिए लोकेशन कितनी अच्छी है, लोकेशन के चक्कर में रोड पे से फोकस नहीं हटना चाहिए, क्योंकि डाउनहिल में मैंने बताया ना आपको मौके नहीं मिलते हैं, एक एक सेकंड में जो है जो टर्न है ना वो क्रॉस हो जाता है। तो अगर आप अपनी साइड पे नहीं चलेंगे ना, जैसे यहाँ पर ही थोड़ी देर के लिए ध्यान हटा तो गाड़ी सीधे स्ट्रेट चली जाएगी, और ये मिस्टेक होती है भाई कई लोगों से। किसी को नींद आ जाती है, किसी को थकान लगी रहती है, तो वही उसका फोकस हट जाता है रोड से। अगर आपको नींद सी आ रही है ना तो थोड़ा सा पानी मार लीजिए मुँह में, थोड़ा सा रुक जाइए, फ्रेश एयर लीजिए बाहर पे, थोड़ा सा बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप करिए, जिससे भाई आपकी बॉडी में जो है ना वो भाई बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा स्टिफ ना रहे और बॉडी भी आपकी रिलैक्स रहे। ये चीज़ आपको फॉलो करनी है डाउनहिल में। देखिए क्लच का मैंने बहुत कम यूज़ कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ब्रेक के थ्रू गाड़ी को कंट्रोल कर रहा हूँ, तो आपको ऐसे ही गाड़ी को चलाते रहना है। ध्यान रखिए गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ती है, देखिए फोर्थ गियर में 65 पहुंच गई थी, तो आपको ब्रेक के साथ तैयार रहना है, एंड पॉइंट पे ना मारें ब्रेक को, ब्रेक को ग्रेजुअली मारें टाइम के साथ, जिससे गाड़ी ग्रेजुअली रुके ना कि सडन तरीके से, जिससे टायर की लाइफ भी आपकी बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है स्पेशली डाउनहिल आते हुए। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी, कोई डाउट रह गया है मन में इस वीडियो से रिलेटेड, या कोई आपके मन में क्वेरी है, कोई डाउट है, वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें चैनल के साथ श्रीदेश ब्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।